चलो बच्चों, आज फिजिक्स मैथ्स की क्लास के बाद कंटिन्यूस फिजिक्स, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल एग्जांपल, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट। चलो शुरू करते हैं, भारत माता की जय और जय हिंद के साथ। चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 30, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 किसका है मुझे नहीं पता है, लेकिन जिसका भी है थोड़ा होश तो ठिकाने रखो प्यारे। मैंने बहुत अच्छी कंसेप्ट ऐसे सवालों की दी थी, लेकिन भेजे में गोबर भरा हुआ है। टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री पर प्रतिरोध, जब टेम्परेचर 200 है तब उसका प्रतिरोध 148 ओम है, 148 ओम। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 0.0045, कह रहा है आर जीरो की वैल्यू बताओ और आर 500 भी बताओ। भे तो दिमाग से इतना पैदल हो बेटा, जिसका भी ये सवाल है, सब नहीं है लेकिन जिसका भी ये सवाल है, मैं उसको आकलन कर रहा हूँ कि मेरी अच्छी कंसेप्ट देने के बावजूद आपकी यार RT = R, मैंने थ्योरी में भी बताया था, एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल भी बताया था, लेकिन कचरा का कचरा रहोगे। बहुत भेजे गए हैं ऐसे, पूरा चैप्टर भरा हुआ है ऐसे सवालों से, सुअर के सुअर हो सब। RT सुनो, हमने कहा था ये वो टेम्परेचर है जहाँ का ये रेजिस्टेंस है, तो टेम्परेचर जब 200 है तब रेजिस्टेंस 148 है। ये 148 ओम रेजिस्टेंस तब होता है, आर जीरो के बारे में बताया था 0 डिग्री का रेजिस्टेंस, अल्फा की वैल्यू प्रश्न में दे दी गई है, और जब रेजिस्टेंस 148 था तब टेम्परेचर 200 था। तो हे धर्मात्मा गधो, इस जगह से आर जीरो तुमसे नहीं निकाला गया, हाँ यहाँ से तुमसे आर जीरो नहीं निकल जाएगा कि कैलकुलेशन करने की तमीज नहीं रखते हो सुअर। इसको गुणा कर लो इज्जत से, 0.05 यहाँ खिसक जाएगा, 45 × 90 यानी 1.90, 45 × 90 0.2 के यहाँ खिसक गए हैं, और जाओ भाग दे लो नहीं तो लतिया देंगे, तो बुद्धि ठीक हो जाएगी तुम्हारी। आर जीरो का मान जब निकल जाए तो कह रहा है 500 डिग्री पर प्रतिरोध कितना होगा, तो इसी फार्मूले को दोबारा यूज करेंगे। अब 500 डिग्री होने पर मुझे प्रतिरोध चाहिए, तो कभी कान खोल करके थ्योरी को क्लियर कर लो। जब मैंने इसको पढ़ाया है तो डिटेल में डिस्कस किया है कि ये क्या चीज़ है, ये रेजिस्टेंस की ताप पर निर्भरता का सूत्र है। जब टेम्परेचर 500 है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आर जीरो यहाँ से आ जाएगा, जो कि कैलकुलेट करने पर 78 आएगा, इसको हल करने पर 78 आएगा। अल्फा की वैल्यू अभी भी वही रहेगी क्योंकि प्रश्न वही है, लेकिन अब की बार टेम्परेचर 500 है। तो गधो अर्थात सुअरो, इसे हल करने का दिल करे तो हल कर लेना, और तो से ना बने कैलकुलेशन तो छोड़ देना, तुम इस लायक नहीं हो कि कक्षा 12 की फिजिक्स लगा पाओ। अगर ये कैलकुलेशन ना कर पाते हो तो तुम इस लायक नहीं हो कि 12 की फिजिक्स लगाओ, बात ख़त्म। यह था क्वेश्चन नंबर 30। 30 के बाद एक क्वेश्चन नंबर है 32 एक्सरसाइज का। हाँ देखिए, अगला गधा तैयार है, यश से समीर होता है, हाँ वही है, यही है यश से समीर। तो मिस्टर गधे थोड़ा सा दिमाग तो ठीक कर लो बेटा, है कचरा भरे हो क्या पंडित जी। एक चांदी के तार का 0 डिग्री पर प्रतिरोध, हाँ चांदी के तार का 0 डिग्री पर प्रतिरोध माने आर जीरो, प्रश्न में थ्योरी में ठीक ठीक इसी कंसेप्ट को बताया है। कह रहा है इसके प्रतिरोध को दुगुना करने के लिए, इसके प्रतिरोध को दुगुना करना है यानी 2.5 ओम हो जाए, तो इसे किस ताप तक गर्म करना पड़ेगा, अननोन टेम्परेचर का पता नहीं है, जबकि अल्फा की वैल्यू 0.00375 है। तो एक ही सूत्र बना है सुअर कहीं के, RT = R0, मतलब मेरा मेहनत करना व्यर्थ हो जाता है, इतने बड़े बड़े दिमाग से पैदल बैठे हैं क्लास में। RT = R0 1+α T, जब टेम्परेचर 0 डिग्री था जिसको R0 कहा गया, वो रेजिस्टेंस 1.25 था, अल्फा की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई थी, कह रहा है किस ताप तक गर्म करें यानी अननोन टेम्परेचर पता लगाना है, उस ताप पर यह जो प्रतिरोध आएगा इस जीरो वाले का दुगुना हो जाना है, प्रश्न में कह रहा है।
किस ताप तक गर्म करें, यह वही ताप होता है जिस ताप का यह प्रतिरोध होता है। कह रहे किस ताप तक गर्म करें कि यह प्रतिरोध 0 डिग्री वाले का दुगुना हो जाए। तो इतना भी दिमाग नहीं रखते हो गधा हो, काट दो दो, ये एक इधर पक्षांतर कर दो, 1.0375 इस टी का मान निकालते तो 1.00375। जाओ हल करके देख लेना, संभवतः 467 आता होगा। एग्जैक्ट मुझे आंसर याद नहीं है, लेकिन एक बार डिवाइड करके देख लेना आप, संभवतः इसका आंसर 267 होगा। वेरिफिकेशन के लिए चेक करूं क्या? हाँ बिल्कुल, दिस इज द करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 32 था एक्सरसाइज का। आज सवाल तो पार्थिव ने भेजे हैं, जो सवाल होने चाहिए वो ये हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े गधा बैठे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, चाहे झंडू बाम सवाल भेज देते हैं। ये पार्थिव है, मेहनत करता है एकदम डेडिकेट होकर के, तो इसने सवाल भेजे हैं। आज के जो सवाल हैं वो पार्थिव ने भेजे हैं। ये सवाल हमारा भी ड्रीम होते हैं कि हम भी आपको सिखाएं। एग्जाम्पल 24 पार्थिव की किताब में, एग्जाम्पल 24 के बाद, अब एग्जैक्ट नंबर के ऊपर तो एरो लगा दिया है गधे ने, 25 और 26 भी हैं और एक पीछे और है सवाल बहुत ज़बरदस्त है 28। ये वो 3-4 एग्जाम्पल है ना जो आपके कलेजे में उतर जाएंगे दोस्तों, अगर इन सवालों तक आप पहुंच गए। 15 मिनट आधे घंटे इन सवालों को चार बताने में लूँगा, लेकिन अगर तुम पहुंच गए ना तो एक इतना बड़ा माइलस्टोन स्थापित कर देंगे आप फिजिक्स में कि दूसरा उसे छू नहीं पाएगा। चलिए आज का सवाल, एग्जाम्पल का 24 नंबर है। वाकई में इस सवाल को खुद बहुत दिल से बताना चाहता हूँ। आज के सवाल तो पार्थिव ने भेजे, बाकी तो सब ऐसे फर्जी सुअर, एक रोहन सुअर उसको इतनी तमीज नहीं है, कैमरा फोटो कैसे खींची जाती, इतने बड़े सुअर हैं फोटो ने उल्टा भेज दे रहे हैं गधा, पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ेंगे। फोटो खींचने की और भेजने की तमीज नहीं है, पढ़ाई पढ़ने आए हैं। ये लो पार्थिव, आपके लिए बेटा और बाकी सबके लिए। करा एक 25 वाट का बल्ब है, बहुत टाइम दूंगा मैं इन सवालों को डिस्कस करने में। एक 200 वाट का बल्ब है, 25 वाट का बल्ब भी 220 वोल्ट का है, बहुत एनालिसिस करनी होगी। हो सकता है 10 से 15 मिनट में आपका इस सवाल के ऊपर लूं, लेकिन इस सवाल का ऐसा सोल्यूशन रिप्रेजेंट करूंगा कि दुनिया के राइटर्स और दुनिया के मास्टर्स इसे देखेंगे, उन मास्टरों को भी दिखा दीजिएगा जो आपके आसपास एनवायरनमेंट में हो, इस सवाल को ले जा करके पहले उस मास्टर से पूछिएगा जा करके सवाल, और फिर इस सवाल को अपने गुरुजी को करने को दे दीजिएगा या उनको फिर बाद में दिखा दीजिएगा। सुनो, ये एक 25 वाट का बल्ब है जो 220 वोल्ट पर एग्जिस्ट करता है, और दूसरा एक और बल्ब भी है जो 200 वाट का है लेकिन 220 वोल्ट पर चलता है। एक सेकंड के लिए बस मैं रुकता हूं, चलिए बी कंटिन्यू, पानी पीने चला गया था। मैं कह रहा था कि अगर आप ऐसे सवालों को कराए, 25 वाट 220 वोल्ट, 200 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किया गया है, दोनों को देखे, दोनों बल्ब 220 वोल्ट के हैं, दोनों को सीरीज में लगाकर 220 वोल्ट का टोटल पावर लगाया गया है, 220 वोल्ट का टोटल पावर लगाया गया है। करें अगर मेंस का वोल्टेज बढ़कर अचानक 360 हो जाए तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? दोस्त ये सवाल नहीं है, सवाल के साथ साथ एक पूरी किताब और एक पूरी कंसेप्ट है, जिसे क्लियर हो गई जिंदगी भर उसे इसका गर्व रहेगा कि मुझे ये कंसेप्ट बहुत परफेक्शन के साथ क्लियर है। और तो बड़ा सवाल है, सवाल बहुत समय लेगा, आप अपनी किताब में देखोगे आपका भेजा फ्यूज हो जाएगा, यानी कन्फ्यूज भी हो सकता है, कन्फ्यूज जिसको कहते हैं, आप समझ नहीं सकते हो, लेकिन आप हमारे साथ थोड़ी देर बने रहिए, एकदम एक्यूरेसी के साथ पिन टू द पॉइंट आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। पार्थिव बाबू सुनिएगा, आपने बल्ब खरीदा होगा कभी बाजार में जा करके, खरीदा है, सबने खरीदा है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं जो बाजार से आप खरीद के लाते हो, उनमें दो चीज़ें मेंशन होती हैं हर हाल में, एक उसका वोल्टेज और एक दूसरा वोल्टेज,
इस थ्योरी को ध्यान से सुनिएगा 5 मिनट, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, एक क्वेश्चन समझ में आएंगे। जितने भी पार्थियों ने 4 सवाल भेजे, दुनिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन, मतलब उसका कोई टक्कर नहीं है, इस चैप्टर के बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन हैं वो। तो आप जब इलेक्ट्रिकल डिवाइस कोई भी खरीदने जाते हो तो कभी बल्ब देखना जाकर, जो पीला वाला जो पीली रोशनी देता है, आजकल तो LED आ गई, हालांकि LED में भी लिखा होता है, आप उस बल्ब को देखना जो पहले आप खरीद के लाते थे 100 वाट वाला बल्ब, या आज आजकल LED लेकर आते हो, उसमें चीज़ मेंशन होती है। उसके बल्ब के बॉटम पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा रहता है 100 वाट। तो वाट तो पावर की यूनिट हो गई, और साथ में एक और चीज़ लिखी होती 220 वोल्ट। यानी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज जितने दुनिया में अब तक बनाए गए हैं, मैंने एक दिन चर्चा की थी थोड़ी सी, कि उनका रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलता। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपके पास हैं उनका रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलता, ये बात आज से पत्थर की लकीर की तरह नोट कर लीजिए। तो सुनो, यानी इसका पावर दिया गया है, इसका वोल्टेज दिया गया है, तो ये इशारा करता है कि भाई साहब इज्जत से आप इसका रेजिस्टेंस निकाल दें। P = V²/R। देखिए V बदलेगा तो P बदल सकता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर बदल सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। और इसका जीता जागता प्रमाण मैं आपको दे दूं, आपके घर में पंखा भी होगा, पंखे में भी वोल्टेज और वोल्टेज दोनों रेटिंग होती है। आजकल जो नए फैन आ रहे हैं वो 60 वाट के आ रहे हैं, कम पावर कंज्यूम करते हैं, लेकिन वोल्टेज उनके नीचे लिखा रहता है 220 वोल्ट। जैसे ही अचानक देखेंगे अगर कभी वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो पंखा तेज चलने लगता है, वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो बल्ब आपका तेज रोशनी करने लगता है, होता है। तो देखिए हुआ क्या होता है कि वोल्टेज अचानक बढ़ने से पावर रेटिंग बढ़ जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो होता है कांस्टेंट। कभी भी देखना, वोल्टेज धीमा होगा आपका पंखा धीमे धीमे जलेगा, बल्ब की रोशनी कम होगी, लेकिन जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ने का मतलब आपका पावर रेटिंग बढ़ जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आज से एक बात पत्थर की लकीर कर लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस कभी बदलता नहीं है, अगर कुछ बदलता है तो वह है वोल्टेज और पावर। तो भैया सबसे पहली ड्यूटी हमें करनी है, ये बल्ब 25 वाट का है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का जो रेजिस्टेंस होता है वो इस अप्लाइड वोल्टेज से नहीं, उसके स्टैंडर्ड वोल्टेज स्टैंडर्ड पावर से। इसीलिए हर डिवाइस में उसका वोल्टेज और उसका वोल्टेज मेंशन किया जाना जरूरी होता है, चाहे जितने, चाहे मोटर खरीद के लाना, चाहे पंखा खरीद के लाना, चाहे बल्ब खरीद के लाना, चाहे प्रेस खरीद के लाना, उसमें वोल्टेज और वोल्टेज दोनों की रेटिंग लिखी होगी। यानी जो ये बल्ब इशारा कर रहा है कि जब इनको आप 220 वोल्ट लगाते तब ही साहब आपको ये 25 वाट पावर देते। तो R = V²/P आप 220 वोल्ट लगाते तो ये 25 वाट पावर देते। उसी प्रकार इनका रेजिस्टेंस R = V²/P 220 वोल्ट लगाते तो 200 वाट देते। देखिए ये बात इशारा है, ये वो कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस कभी बदलता नहीं है, और वो उसके स्टैंडर्ड वोल्टेज और स्टैंडर्ड पावर को P = V²/R के सूत्र में रख दीजिए, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आपने देखा पहले आपके बल्ब का रेजिस्टेंस ये आ गया, दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस ये आ गया, और मोटी मोटी बात करें तो इसकी तुलना में ये 8 गुना, 25 × 8 = 200। तो यानी अगर इतनी वैल्यू को मैं R कह दूं तो पक्का है ये 8R है। देखिए अगर मैं इसको, इस डेटा को R कहता हूँ, देखिए ये अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है, इसको मैं अगर R कहता हूँ तो पक्का है ये 8R है। हाँ, इसकी तुलना में इसका प्रतिरोध 8 गुना, 25 × 8 = 200 होता है यार, जरा सा कॉमन सेंस लगा दो, मैथ का मामला है। अगर मैंने इस पूरी वैल्यू को R कहा है तो ये 8R हो जाएगा, 25 × 8 = 200, यानी इसका ये 8 गुना बड़ा है, इसके नीचे के नंबर छोटी है ना। तो इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड हो गई, वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू ये है और जनरल वैल्यू मेरे नज़र में ये। तो अब देखो ये जो वोल्टेज दिए रखे थे दोनों की 220 वोल्ट के हैं, तो उससे इनके रेजिस्टेंस डिसाइड होते हैं, कभी भी ये बदलता नहीं, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन सुनो, कर दोनों को श्रेणी क्रम में लगाकर 220 का लगाया है वोल्टेज। अब मैं आपसे पूछता कि बताओ कौन धीमा जलेगा कौन तेज जलेगा, तो आप देख पाते जिसके पास वोल्टेज ज़्यादा जाएगा वो तेज जलेगा, जिसके पास वोल्टेज कम जाएगा वो धीमा जलेगा।
और हमने बताया है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, जिसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके पास वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, V बराबर IR। करंट तो सीरीज में सेम होगी, लेकिन अगर टोटल 220 लगाए होते तो 220 का एक हिस्सा इसके पास जाता, उसका 8 गुना ज़्यादा वोल्टेज इसके पास जाता, तो ये तेज जलता। देखिए जो कम वाट का बल्ब है वो तेज जलता सीरीज में लगाने पर, और जो ज़्यादा वाट का है वो धीमा जलता। लेकिन हमें इससे मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वोल्टेज बढ़ के 360 हो गया है, वोल्टेज बढ़ के 360 हो गया है, तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? तो हमारी टेक्नोलॉजी फॉलो करो तो हम दिखाएं। एक बार किताब में सोल्यूशन जरूर देखना। देखो इससे इसका प्रतिरोध 8 गुना ज़्यादा है, तो ये जो 360 वोल्ट जब आप इसके लगाओगे तो 360 वोल्ट के दो ऐसे हिस्से करो, मैंने बताया सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, दो ऐसे हिस्से करो कि एक का रेजिस्टेंस दूसरे का 8 गुना हो, एक का रेजिस्टेंस दूसरे का सॉरी एक वोल्टेज दूसरे का 8 गुना हो, तो आप बताएंगे 360 के दो अगर ऐसे हिस्से करें तो मेरे ख्याल से 40 और 320, जी हाँ 360 के दो हिस्से करें तो एक हिस्सा 40 वोल्ट और दूसरा हिस्सा 320 वोल्ट। अरे मालिक मेरी बात नहीं समझे आप, 360 के दो ऐसे हिस्से करो कि एक हिस्सा दूसरे का 8 गुना हो, तो 64 32। तो जनरल प्रेजेंस आप माइंड लगा लेते हैं, तो हमने कहा ये इसका 8 गुना रेजिस्टेंस है, तो इसका 40 और 320, 360 के दो हिस्से करने। तो सुनो एक बल्ब कब फ्यूज होता है, जब वोल्टेज अचानक ज़्यादा हो जाता है। तो जो बल्ब जिसकी औकात 220 वोल्ट एफोर्ट करने की थी शुरुआत में तो बताया गया ना, उस बल्ब को 320 वोल्ट मिलने लगा है, तो ये बल्ब भाई साहब फ्यूज हो जाएगा। आपके प्रश्न का जवाब था ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। क्यों फ्यूज हो जाएगा? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग 220 था, और 220 वोल्ट वाले बल्ब को 360 320 वोल्ट मिलने लगेगा तो फ्यूज नहीं हो जाएगा, तो यह बल्ब फ्यूज हो जाएगा और यह फ्यूज होने से बच जाएगा। यह तो थी मेरे एनालिसिस मेरे लेवल पर जा करके, लेकिन हम इसी सवाल को आपके स्तर से कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। यही जो डेटा मैंने डायरेक्ट किया है इसी का कैलकुलेशन दिखा देता हूं, सुनिएगा। ये जो पहला वाला बल्ब था 25 वाट पावर तब डिलीवर करता था जब इसे 220 वोल्ट से लगाते थे, यानी स्टैंडर्ड वोल्टेज इसका 220 वोल्ट होता तो 25 वाट देता। तो इसका मतलब R1 की जो वैल्यू यानी पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस होता वो V² / P, जो बदलेगा नहीं कभी। जो दूसरा बल्ब था इसका रेजिस्टेंस V² / P, जी हाँ V² / P, क्योंकि स्टैंडर्ड वोल्टेज स्टैंडर्ड पावर से ही रेजिस्टेंस निकाली जा सकती। दोनों बल्ब सीरीज में लगे हैं बाबू, हम आपसे पूछते कि सर्किट में जाने वाली करंट बताओ, सर्किट का नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज 360 लगा बैठे हैं, 220 तो पहले लगाया था, अब 360 हो गया, सारा खेल 360 से क्लियर करना है। 360 वोल्ट अपॉन R1 + R2, दोनों को जोड़ता तो 220 का स्क्वायर कॉमन आता, 1/25 1/200 तो 200 LCM हो जाता, 25 × 8 = 200 तो यहाँ 8 हो जाता, यहाँ 1 हो जाता। कैलकुलेशन में शामिल होता तो इस सर्किट में जो करंट जा रही है I = V/R, 220 का स्क्वायर × 9/200। ये वो करंट है जो इस सर्किट में एंट्री मार चुकी। मैंने हजारों बार बताया सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो कुछ वोल्टेज 360 का भाई साहब इनके पास होता, या वोल्टेज ही तय करेगा बल्ब फ्यूज हो जाएगा कि बल्ब बचा रहेगा। तो यह वोल्टेज V = IR, तो I मेरे पास है, मैंने अभी भी निकाला है 360/220 का स्क्वायर × 200/9 × इस बल्ब का रेजिस्टेंस जो आपके सामने है 220 का स्क्वायर बटे 25। इसीलिए मैंने इसको काटा और कैलकुलेट नहीं किया था। 25 × 8 = 9 = 64। मैं गलत बोला था पहले ही कैलकुलेशन के बिना
कि वोल्टेज जिस रेशियो में रेजिस्टेंस है उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने रेशियो से कैलकुलेट किया था तब भी 320 आया, 360 में 320 वोल्ट बाबू इनको पाया। तो पहले डिसाइड हो गया है कि जो बल्ब 220 वोल्ट पर ऑपरेट करता था सरवा 320 वोल्ट चला जाए, हम तो कह रहे 221 में फ्यूज हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। लेकिन 320 आएगा तो बल्ब फ्यूज ना हो जाएगा, कह रहे कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं काफी समय पर दिया गया डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, इससे बढ़िया सलूशन दोस्त पूरी धरती पर इस सवाल का मौजूद नहीं है। अब बाकी बचा 40 वोल्ट वहां जाता है तो जाता रहे, हमें क्या करना है। यह था एग्जांपल 24 जो मेरा वो सवाल होता है, जो ड्रीम क्वेश्चन होता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे सवाल आपको बहुत मिलने वाले हैं, शायद ये एग्जांपल 25 है, एरो लगा दिया है इसने तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। दो बल्बों पर, एक बल्ब पर 60 वाट, ध्यान रखिएगा उसका स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग मेंशन करना बहुत जरूरी है पार्थिव। दो बल्बों पर पहले पर 60 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। अंकित है मतलब आपने बल्ब देखा होगा पीछे लिखा रहता है। 220 वोल्ट मेंस वाली यानी जो मेन की लाइन 220 वोल्ट है, लाइन के साथ समांतर क्रम में जोड़ दे। मैंने सवाल पर पहले ही नज़र डाल दी थी इसलिए मैं डायग्राम पहले ही बना गया। 220 वोल्ट मेंस वाली लाइन में समांतर लगा दिया जाता है, कौन सा बल्ब अधिक जमकेगा और क्यों, और यदि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो क्या होगा। देखिए यही साइंस है, आपके घर में जितने सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं वो सारे कनेक्शन किसमें हैं, पैरेलल में। हमारे घर में पंखा, टीवी, पंखा, ट्यूबलाइट, फैलाने, ढकाने, दहीमाने, नींबू, लहसुन, जो भी लगा हुआ है घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो सारे डिवाइस पैरेलल में लगे हैं। तो घर में कमरे में एक 25 वाट का बल्ब लगा लीजिए, 60 वाट का, 100 वाट का बल्ब लगा लीजिए, आप दोनों को स्विच ऑन करिए, बताइए कौन सा बल्ब ज़्यादा रोशनी देगा। तो आप बताएंगे गुरुजी 60 वाट वाला कम जलेगा, 100 वाट वाला तेज जलेगा। आप 500 वाट वाला बल्ब ले आइए उसी की जगह पर, 500 वाट वाला और ज़्यादा रोशनी देगा। तो पैरेलल में ज़्यादा वाट वाला हमेशा ज़्यादा पावर यानी ज़्यादा ब्राइटनेस और कम वाला कम ब्राइटनेस। लेकिन इसी को जब तुम सीरीज में लगा लेते हो, तो अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन से तुमको दिखाया, एक 25 वाट का बल्ब था, एक 200 वाट का बल्ब था, लेकिन जब इनको मैंने सीरीज में लगाया था अभी अभी इसके पहले वाले सवाल में, और टोटल वोल्टेज वही जो 220 इनका स्टैंडर्ड वोल्टेज दिया था, तो ये जो कम वाट वाला है ये तेज जल रहा था और जो ज़्यादा वाट वाला है धीमा जलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब पैरेलल में दो बल्ब लगाए जाएंगे तो जो ज़्यादा वाट वाला बल्ब है वो ज़्यादा तेज जलेगा, क्योंकि दोनों को स्टैंडर्ड वोल्टेज तो सेम मिल रहा है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो जो ज़्यादा वाट वाला है वो ज़्यादा जलेगा, कम वाट वाला कम जलेगा। लेकिन जब इन्हीं को सीरीज में लगा देते हो तो रेजिस्टेंस उल्टा होने के कारण, देखें पी बराबर आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी, तो जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा अपने हिस्से का वोल्टेज सीरीज में ज़्यादा खाएगा, वोल्टेज ज़्यादा खाएगा तो नेचुरल सी बात है पावर भी ज़्यादा होगा। तो पैरेलल में जो ज़्यादा पावर का वो ज़्यादा जलता है, जो कम पावर का वो कम जलता है, लेकिन सीरीज में उल्टा होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 24 था, शायद 25 था, 26, बढ़िया। आप इस 26 नंबर एग्जांपल को भी अपनी किताब में जब देखने जाओगे तो बड़ा मजे का आधा पेज में लगाया है, लेकिन इस सवाल को मैं एक लाइन में हल करके तुम्हें दिखाऊंगा, सिर्फ एक लाइन में, क्योंकि तुम तो मेरे साथ 11 की फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में भी शामिल थे, तुम्हें समझ भी आएगा। कह रहा है एक विद्युत केतली, बहुत सुंदर सवाल है, मज़ा आ जाएगा। एक विद्युत केतली है 2000 वाट की है, कितना पावर है इसका 2000 वाट, इस विद्युत केतली का पावर है 2000 वाट। देखिए एक विद्युत केतली है, इसमें एक कुंडली लगी है 2000 वाट की, यानी पावर प्रोवाइड कराएगी 2000 वाट, और इसमें एक लीटर अर्थात 1000 ग्राम पानी, हाँ एक लीटर पानी एक किलो होता है और एक किलो पानी 1000 ग्राम होता है। इस पानी का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से
100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। ये कुंडली को जब मैं पावर सप्लाई करता हूँ, वोल्टेज लगाता हूँ, पावर में जोड़ता हूँ, तो आपने देखा होगा वो गर्मी में, वो जाड़े में जब पानी गर्म करना होता था, हीटिंग कॉइल आप डाल देते हैं पानी में, पावर ऑन कर दिया, कॉइल चलने लगी और आपका पानी गर्म हो जाता। तो वही तो है, ये 2000 वाट की कॉइल है, पानी का टेम्परेचर 400 से 100 करना है, पानी 1 लीटर है, जल का यांत्रिक तुल्यांक यानी जल का जो ऊष्माधारिता होती है, सॉरी जल के विशिष्ट ऊष्मा सी, वो 4.2 जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम गिवन है। तो आपसे प्रश्न पूछा है, बताइए पानी को गर्म करने में कितना समय लगेगा, जबकि इससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का 80% भाग ही हमारे काम आता है। तो सबको पता है पानी को गर्म करने के लिए कक्षा 11 में एक ही सूत्र था, एम सी डेल्टा टी, या उसी को आप एम एस डेल्टा टी भी कहते थे। तो पानी दोस्त हमारे पास 1000 ग्राम है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 4.2 है, जूल में लिखी गई है, और डेल्टा टी की वैल्यू 4 से 100 ले जाना यानी 96, सही है, 4 से 100 ले जाना यानी 96। तो मालिक क्यू एक प्रकार की ऊष्मा है, ऊष्मा दुनिया में सारी ऊर्जा होती है, ऊर्जा सारी कार्य होती है, और कार्य इज इक्वल टू बचपन से पढ़ा था पावर इंटू टाइम। तो मेरे पास पावर है 2000 वाट, टाइम इतनी ऊष्मा तो ये हीटर उत्पन्न करेगा, लेकिन हमें यूज में आएगी इसकी सिर्फ 80%, बाकी वेस्ट जाएगी, यूज में आएगी इसकी 80%, बाकी वेस्ट जाएगी। तो 10 सेकंड का समय दीजिए, हमें इसका आंसर भी हम वेरीफाई करा देंगे, इसको इससे काट दीजिए, बाकी बचे का कैलकुलेशन फॉलो करिए, 8 × 2 = 16 इंटू टी, 16 × t इज इक्वल टू 42 इंटू 96, 16 × 6 = 96, 42 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24, 24 × 1 = 25, जाओ मैच करा लो 252 सेकंड। बस साइंस तो साइंस है यार, मैसिन ने क्या कहा, एक हीटर कॉयल है, इसे पानी गर्म करने में यूज करना है। तो हीटर पानी गर्म करने के लिए कक्षा 11 में एक ही सूत्र था, क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। अब जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा है उनको ये सवाल पता चले ना चले, मैं क्या कह सकता हूँ, क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी, एम था 1 लीटर, सी की वैल्यू दिया है, डेल्टा टी मेरे पास है, और जो ऊष्मा है वही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, कार्य ही पावर इंटू टाइम है, पावर इंटू टाइम क्या, जो हीट पैदा हुई इसका 80% काम में आया, कैलकुलेट किया 252 सेकंड, आपका आंसर है, चेक कर लेना मेरे पास इसका आंसर नहीं है। और आज का वो सवाल जिसके लिए मुझे दिन रात नींद नहीं आती है, वो सवाल आ जाए दोस्त, इस एक सवाल को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, आपको 10 बार बताने को तैयार हूं, लेकिन एक बार सीखने की कोशिश करना, ऐसा सवाल ढूंढते ढूंढते जिंदगी में शायद कहीं मिल जाए, लेकिन इस एक सवाल का कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब समझते हो, आपने एक पूरी किताब को जान लिया, एक ऐसा सवाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपने पूरी किताब जान ली, जान ले जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन एग्जाम्पल 28 है, मुझे अब तक पूरी किताब में इससे बेहतर सवाल नहीं मिला है, एग्जाम्पल 28 कह रहा है 2000 वाट और 200 वोल्ट। देखिए मैंने कहा किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में दो चीज़ों का मेंशन होना परम आवश्यक है, अगर उसका वोल्टेज दिया गया है तो उसका वोल्टेज देना परम आवश्यक है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि उसका अनचेंज होने वाला कंसेप्ट जो रेजिस्टेंस है वो होगा कि, यानी ये इशारा करता है कि ये हीटर 2000 वाट तब देता है जब हीटर को आप 200 वोल्ट से लगाते हो, यानी कुछ ना करें, इमीडिएट सबसे पहला काम करें जो इस हीटर का रेजिस्टेंस है जो हमेशा इसके स्टैंडर्ड वोल्टेज स्टैंडर्ड पावर से कैलकुलेट हो जाएगा, R इज इक्वल टू V² / P, V² / P, पहले से प्लानिंग, P से पावर 20 ओम। मैं सवाल पढ़ता हूँ पूरा, 28 नंबर एग्जांपल है, एक क्वेश्चन, ये वीडियो आगे क्वेश्चन बढ़ाने से पहले आपने किताब उठा लो, थोड़ा होश ठिकाने आ जाएगा। 2000 वाट 200 वोल्ट का एक हीटर 15 ओम और 8 ओम के साथ 200 की मेंस से चित्रानुसार जोड़ा गया है, इस सवाल को बार बार नहीं बताऊंगा, याद रखिएगा,
हीटर 125 वाट शक्ति ले रहा है, बोला प्रतिरोध का मान बताओ। आप अगर हमसे बात करेंगे तो 10+2 के स्टैंडर्ड पर यानी 12वीं क्लास के स्टैंडर्ड पर जब आप करंट जैसे चैप्टर को पढ़ने आते हो तो मेरी नज़र में इसके एग्जांपल में इससे बेहतर सवाल नहीं है। और अगर इसकी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए तो आपसे बड़ा विद्वान शायद कोई नहीं है। लीजिएगा, हीटर वही है। अब हीटर के साथ किया क्या गया है, 15 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ, और वही हीटर जो ये था वो यहाँ लगाया गया है। तो वही हीटर अब नया पावर 125 वाट दे रहा है। मेंस का वोल्टेज अभी भी 200 है। पहले प्रश्न को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर से 8 मिनट का टाइम इस सवाल को देने को तैयार बैठा मैं। बोला एक हीटर 2000 वाट पावर देता है जब आप इसे 200 वोल्ट टोटल वोल्टेज देते हैं। तो आपकी सबसे पहले थ्योरी कहती है किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस कभी बदलता नहीं है। पावर बदल सकता है, वोल्टेज बदल सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस कभी बदलता नहीं है। तो जो बदलने ना बदलने वाली चीज़ें सबसे पहले निकाली जाए, और वो एक ही तरीके से निकाली जाती है, स्टैंडर्ड वोल्टेज और स्टैंडर्ड पावर से R=V²/P। R=V²/P, तो V का स्क्वायर कर दें, अपान P है। हमें पता चल गया कि हमारे हीटर का रेजिस्टेंस 20 ओम है और ये कभी नहीं बदलेगा, सही है। तो आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि 2000 वाट में दमकने वाला हीटर जो कभी अच्छे अच्छों के हेकड़ी बोलती बंद कर दिया करता था, सरवा छू जाए तो गर्मा दे लाल कही दे 2 मिनट में, लेकिन बेचारा वो सिर्फ 125 वाट की हीट ही पैदा कर पा रहा है, यानी सिर्फ लाल लाल हो पा रहा होगा हीटर। आपने देखा होगा प्रॉपर वोल्टेज अगर हीटर को मिलता रहता तो खूब दाल 10 मिनट में पक जाती है अगर हीटर आपने यूज किया हो, लेकिन अगर किसी ने वोल्टेज डाउन हो सारा बीरबल की दाल बन जाती है वो, जानते। अगर वोल्टेज बढ़िया है तो आपकी दाल 10 मिनट में पक जाएगी आपके हीटर पर, लेकिन अगर वोल्टेज डाउन है तो आपकी दाल बीरबल की दाल बन के रह जाएगी, हो सकता है 1 घंटा रखे रहो सलवा दाल ही ना पके तुम्हारी। क्या कारण है, क्योंकि एक ही रिलेशन होता है P=V²/R। जब इसे प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा था तो बढ़िया पावर जनरेट कर रहा था क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, लेकिन वोल्टेज जैसे ही घटा तो इसका पावर डाउन हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आखिरकार मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जो हीटर है जो पहले 2000 वाट पावर दिया करता था 125 वाट क्यों दे रहा है। तो आपका एक छोटा सा जवाब आएगा, गुरु जी कमाल हो गया है, यहाँ पर एक ही मामला है कि अभी भी वोल्टेज टोटल 200 ही है, वोल्टेज अभी भी 200 था, लेकिन अब इस वोल्टेज में हुआ क्या है कि एक इनका जो भाई है, भाई साहब का इन हीटर का भाई जो अमेरिका से लौटा है उसने हिस्सा बटा लिया है। बहुत साल अमेरिका पहले चला गया था, वहां कमाया धमाया, साले को उस पैसे से मोह भंग हो गया, उस पैसे से उसका पेट ना भरा, अमेरिका से लौट आ करके अपने गरीब भाई का हिस्सा बटा लेगा। बोले कैसे, बोले सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज। तो आखिरकार जो बल्ब पहले 2000 वाट दिया करता था उस 2000 वाट की बजाय इसकी पावर रेटिंग 125 क्यों है, तो आप जवाब देंगे ना, क्योंकि इस 200 वोल्ट का बड़ा हिस्सा इस भाई ने अपने नाम कर लिया क्योंकि ये ताकतवर है, और देखें कितना नाम इसने कर लिया है। आखिरकार वही हीटर जिसका रेजिस्टेंस पहले 20 ओम था आज भी 20 ओम होगा, तो P=, अब नया पावर 125 है, नया वोल्टेज कितना हो गया है यही पता लग जाए तो सारे मामलों की जड़ समाप्त हो जाए, लेकिन रेजिस्टेंस तो कभी बदलता नहीं है ना, रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलता किसी हीटर का, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस कभी नहीं। P=V²/R, तो हीटर वही है तो R वही है, बट नया पावर 125 इसलिए हो गया है क्योंकि नया वोल्टेज 50 वोल्ट हो गया है, नया वोल्टेज। अरे मालिक, 125 का 2 से गुणा, फिर 10 से गुणा, फिर बल मूल लेना, 25 ही आएगा भाई, 2500 हो जाएगा गधा हो। ये बल्ब हीटर बेचारा जो पहले 200 वोल्ट पूरा पाया करता था, इस अमेरिका से लौटे भाई के कारण 50 वोल्ट ही पा रहा है। तो मजबूरी है उसकी, 200 वोल्ट मिलने पर दमदमाया करता था 2000 वोल्ट पर, अब बेचारे को 50 ही वोल्ट मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन हो गया है, तो चेहरे का तेज तो यूं ही चला जाएगा ना, हाँ इसे 50 वोल्ट ही मिला है। अब जब इसे 50 वोल्ट मिला प्यारे,
तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो एक बात पक्की है कि 200 वोल्ट में का बचा हुआ 150 वोल्ट ये भाई साहब ले गए हैं। मैंने तो बहुत बार इस सीन को समझाया है, अगर इस हीटर का नया वोल्टेज 50 वाट वोल्ट है तो 150 वोल्ट तो भाई साहब ये लिए होंगे ना। तो इसका मतलब साफ है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से कितनी करंट आ रही है तो आप तुरंत बताएंगे I=V/R यानी 10 एम्पियर। हीटर का रेजिस्टेंस हमने पहले ही पता कर लिया था जो कि 20 ओम था। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये हीटर 20 ओम रेजिस्टेंस का है। मैं आपसे पूछता तो इसमें ऊपर वाली ब्रांच में कितनी करंट होगी आई हीटर, तो I=V/R यानी 2.5 एम्पियर। ना बता दोगे तो बची हुई, देखिए 10 एम्पियर ऊपर से चली, 2.5 एम्पियर इधर गई, तो बची हुई 7.5 एम्पियर नीचे जाएगी। हमसे कैपिटल आर की वैल्यू पूछी गई थी, लगा दीजिए V=IR। और अगर कंसेप्ट आपको बढ़िया लगा हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, ये सवाल जरूर पढ़ लेना पहले लगाने से पहले, तो मुझे कमेंट में आपकी तालियां जरूर चाहिए। V=IR यहाँ है, आई आपके पास है, इस ब्रांच में जाने वाली करंट 7.5 एम्पियर है, इस कैपिटल आर के चक्कर में आया था। आपका जवाब आपके सामने हाजिर करता हूँ, बाकी अच्छा बुरा समझना आपका काम है। 25 × 50, 25 × 75, 6.67 ओम। अब इस सवाल को इससे बेहतर बताया नहीं जा सकता है, इससे बेहतर विजन नहीं है कहीं, किताब आप अपनी खोल के देख लेना, हमने बाकी आपको बताया, नहीं आए तो फिर एक बार वीडियो को रिवॉच कर लेना। चलिए एक और वही प्रतिरोध ताप वाला, पता नहीं कब सुधरोगे तुम लोग भी इतने बड़े सुअर हो, लगा के नहीं दिखाऊंगा, बस पढ़ दूंगा, बस छोड़ दूंगा। 33 नंबर क्वेश्चन भी वही है, किसी बल्ब का फिलामेंट 100 डिग्री पर 100 ओम सुअर, 100 डिग्री पर 100 ओम, तो RT=R01+αT। R0 का पता नहीं है, अल्फा का पता जरूर है 0.005। जब टेम्परेचर 100 डिग्री था तो प्रतिरोध 100 ओम था, प्रतिरोध 100 ओम था। कह रहा है जब इसका प्रतिरोध 200 ओम हो जाएगा, जब इसका प्रतिरोध 200 ओम हो जाएगा तो अल्फा वही रहेगा, तो ताप बताइए। तो कितनी बार सुअर ये कई बात बताऊं मैं तुमको, ये टेम्परेचर वो है जब ये रेजिस्टेंस है। टेम्परेचर 100 डिग्री था तो 100 ओम था, अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा जब इसका रेजिस्टेंस 100 से बढ़ के 200 ओम हो जाए। लई दो भाग गदहा सुअर, जब करो हल नहीं करेंगे फिट सुअर, फालतू सवाल एक ही सवाल एक ही एक। चले इसी कंसेप्ट को लेकर के NCERT ने एक बढ़िया सवाल डिजाइन किया, ये टेम्परेचर कंसेप्ट यही है, उसका सवाल आप पहले ही पूछ लेते तो बढ़िया था। करा एक नाइक्रोम का तापन तंतु 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, ठीक सवाल है, मतलब कंसेप्ट वही है, ये सवाल अभिषेक का है, 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, और 230 वोल्ट से जुड़े होने पर 3.2 एम्पियर की धारा लेता है। कमरे का ताप 27 डिग्री है, कमरे का ताप 27 डिग्री है, यदि तापन तंतु की स्थायी अवस्था में ताप कितना होगा, तापन तंतु की स्थायी अवस्था में ताप कितना होगा, और बाद में धारा घट करके 2.8 एम्पियर रह जाती है, और अल्फा की वैल्यू प्रश्न में दी गई है मेरे ख्याल से, हाँ जरूर दी गई है, एक तो फोटो खींचने की तमीज नहीं है, बस इसी से मैं दुखी हूँ, साला सीधे की बजाय इसका फ़ोटो सीधा खींच दिया करें, ऐसे करके खींच देंगे तो पता चला पूरी स्क्रीन में वही आएगा टेढ़ा हो करके सुअर। सुनो, एक फिलामेंट है, जब उसे 220-30 वोल्ट के मेंस से लगाते हो तो शुरुआत में 3.2 एम्पियर करंट देता है, लेकिन वो फिलामेंट जब गर्म हो जाएगा, आप हीटर देखे होंगे जैसे स्विच ऑन करते हैं तो 3.2 एम्पियर होती है, तब रूम का टेम्परेचर 27 है। अब वही फिलामेंट वही वोल्टेज, ये करंट थोड़ी देर बाद घट गई है, आखिरकार करंट थोड़ी देर बाद घटी क्यों है, तो आप बताएंगे थोड़ी देर में हीटर जब गर्म होते होते सैचुरेशन के साथ वो गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी धारा घट जाएगी। तो सुनो,
जब टेम्परेचर 27 था रूम टेम्परेचर पर आपका फिलामेंट रहा होगा तो लगा दो वी बराबर आई आर, तब वी था 230, आई बहती थी 3.2, तो ये आर एट 27 यानी रूम टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस मिल गया। आखिरकार वो करंट घटी क्यों? क्योंकि साफ है वोल्टेज तो सेम रहा होगा, करंट घटी है तो वो रेजिस्टेंस वो वाला होगा जब आपका वो जो हीटर है वो एक सैचुरेट हो गया होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जा करके, तो हो गया। तो आर 27 डिग्री पर इतना प्रतिरोध है और अननोन रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर पर इतना प्रतिरोध है, तो एक ही फार्मूला है आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस एल्फा टी। तो जब टेम्परेचर 27 डिग्री था तो इसका रेजिस्टेंस 230/3.2 आर जीरो वन प्लस अल्फा की वैल्यू 1.7×10⁻⁴ और तब टेम्परेचर था 27, तब टेम्परेचर था 27। अब ये रेजिस्टेंस बढ़ा क्यों? क्योंकि इसकी एक ही कंसेप्ट है। ये रेजिस्टेंस पहले से बढ़ा क्यों? क्योंकि आर जीरो तो अभी भी फिलहाल आर जीरो है, अल्फा की वैल्यू आज भी अल्फा ही है। अब ये टेम्परेचर, क्योंकि जब हीटर कोई गर्म होता है तो उसका कॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो वो अननोन टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा हो गया है तो वो रेजिस्टेंस इसीलिए तो बढ़ गया है। अब आप चुपचाप इज्जत से दोनों को भाग दे दीजिए, आर जीरो गायब हो जाएगा, 230 गायब हो जाएगा, ये ऊपर और नीचे का हिसाब बन जाएगा, 28/32 हो जाएगा बराबर 1 + 1.7×10⁻⁴ × 27 / 1 + 1.7×10⁻⁴ दिस इज द अननोन टेम्परेचर। यही है फिलामेंट का टेम्परेचर जब आपका फिलामेंट स्टेबल हो गया है। अब वही सारे सवाल बार बार भेजे गए हैं, आर टी बराबर आर जीरो एल्फा टी, तमीज बड़ी कमज़ोर है, सवाल केवल यही है। अब मेरे सवाल ख़त्म हो जाते हैं और वीडियो भी ख़त्म हो जाता है। इस टी को आप निकाल लेना, आप समझना, आप जानना, नहीं आए तो हमका आंसर बताना। चलिए ये काम भी ख़त्म हो गया, आज की दोनों फिजिक्स और मैथ की क्लास इसी प्रकार ख़त्म होती हैं और आज का ये वीडियो आपको मिलेगा तब आप इसे इत्मीनान से देखिएगा जरूर। इसमें जो पार्थिव ने चार एग्जाम्पल भेजे हैं, तीन खासकर, एक वो हीटर वाला, एक वो क्या कहते हैं कौन सा बल्ब पहले फ्यूज हो जाएगा, एक और सवाल था, तीन सवाल पार्थिव ने अधिकतर आउटस्टैंडिंग सवाल थे। मेरे खुद का ड्रीम होता है कि मैं आपको इस तरह के सवाल लगा के दिखाऊँ, और आप नहीं भी भेजते तो मैं लगाता खुद से। चले, थैंक यू।